लड़की होने का मतलब लड़की की हिम्मत भी होनी चाहिए लड़ने की। मैं आज जैसे अपने घर से निकलती हूँ तो मैं जब आई थी जब अरुण वाल्मीकि जी के साथ जो हुआ और उनके परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद से मेरे दिल में ये बात काफी भारी पड़ी थी। मतलब तो मैं बहुत सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो समाज ये समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बार बार, मद्रास में आपने देखा, यहाँ देखा, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। तो मैंने काफ़ी चर्चा की है समाज से, कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। अरे हिलाओ मत यार प्लीज। रमन भैया और कभी ऐसा मौका दीजिए बहन जी कि कम से कम 1000 महिलाएं आपके कार्यक्रम में हो, तो कम से कम 2000 जेंट्स भी आपके कार्यक्रम में हो, 3000 जेंट्स भी आपके कार्यक्रम में हो। ये हम लोग जो है हमारी 40-40 साल की उम्र हो गई, इस प्रांगण में मैं बैठा हुआ हूँ 40 साल से, पूछ लीजिए इनके यहाँ, इनसे ये बैठे हुए। लड़की होने का मतलब लड़की की हिम्मत भी होनी चाहिए लड़ने की। मैं आज जैसे अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे घर वाले तो नहीं लेकिन मेरे जो बाहर वाले हैं वो मुझे रोकते हैं, वो मेरे पेरेंट्स से बोलते हैं कि बच्ची को इतना आगे मत बढ़ाओ नहीं बाद में दिक्कत होगी, वो वगैरह वगैरह मतलब बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़की हूँ तो क्या मैं लड़के के जैसे नहीं बन सकती? मैं बिल्कुल लड़के के जैसे बन सकती हूँ, मुझे सिर्फ हिम्मत चाहिए और पेरेंट्स का चाहिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं इस जगह पे खड़ी हूँ अपनी सिर्फ माँ की वजह से खड़ी हूँ। मैं अपनी माँ को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है। मैंने जब हाई स्कूल किया तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी माँ ने तो पढ़ाना चाहा, लेकिन मेरे जो घर थे उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। मेरी हिम्मत मुझे मतलब पढ़ने का साहस दे रही थी लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। मैंने अपनी मम्मा से कहा, उन्होंने मुझे बात करके उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मैं आगे बढ़ी और आज इस जगह पे खड़ी हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व फील हो रहा है, अपनी माँ पे गर्व फील हो रहा है कि अपनी माँ की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ।